और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जियेंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लॉन्ग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो कि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति माम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का कर... ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि तो अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय मम वश्यं करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रक रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरुमाता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दशकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका चौबीस घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यं करू करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णुश करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सावधक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णुश करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि Yay. ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो हा पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना सब तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यं करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रक रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दशकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दब को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यं करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर यह विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णुम पति मम वशम करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दब को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका चौबीस घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णुम पति मम वश्यम करू करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखेगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा, जी हाँ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लौंग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लॉन्ग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लॉन्ग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है यह बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शब्द है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लॉन्ग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा हो मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि तो अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं। जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति माम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति माम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके इसके बारे बारे में में किसी किसी से से जिक्र ना ना किया जाए, इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की है आप ऐसे व्यक्ति ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर 12 बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णुम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको यह विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाय मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो पति करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रख दें जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ता उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ता उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूं और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुए पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लॉन्ग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब, बार, जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो उस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे, में किसी से ना किया जाए। इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आई ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति माम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो विष्णुम पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर यह विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा त उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो विष्णुम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि तो अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूं और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करू करू स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरुमाता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनिहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आई ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करू स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णु करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ ना कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको एक सौ इक्कीस बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र पूर्वक सुनिएगा ओम नमो करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र तो 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके जिस साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ ना। कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि तो अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं हाँ। तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो उस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा तम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि तो एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका चौबीस घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा तम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आई ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका चौबीस घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं <गश्ण> जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते <गश्ण> तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला है पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा मुहबत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो विष्णुम पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रक रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दब को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि तो एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला है पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ पूर्वक सुनिएगा करू स्वाहा पति की जगह ध्यान प्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रख दें जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि तो एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं, लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको यह विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला है पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में, में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो उस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर यह विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय करते हुए मैं आपको बताती लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको यह विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला है पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से, में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा त उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको यह विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूं आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं, पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो विष्णुम पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं। जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनिहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको यह विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं, पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाय विष्णु करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका चौबीस घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति माम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है Osionfish. क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फ़ोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हां बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ़ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरन बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है Osionfish. क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा त उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके जिस साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो उस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सावधक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेानतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ता उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दाइनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब, बार, जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं तो दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ता उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और चौबीस घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णुएम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो विष्णुम पति करू करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबाकर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं। जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दस को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर तो पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दाइनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे इंतहा करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुँह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखे हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूर जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दब को वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए ये विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी कि किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेानतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे, जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को ज़रूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं <गेवेद> जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाई मम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं <गेद> तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शब्द को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शब्द ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखे अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र सुनिएगा ओम नमो महाय स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है तो उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं कर जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो उस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये तो इसे करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है Osionfish. क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शको वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेानतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको ज़रूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि तो एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट किया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं mm -hmm. जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाई मम वश्यम करू, करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्शकों कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण सार्थक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर हाँ समस्या का समाधान होगा आपको हर हाँ जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप है वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूं और वो मंत्र है ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी और औरत के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा ओम नमो महाय वश्यम करु करु स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लॉन्ग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये ये तो इसे करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी ये वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लॉन्ग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साफ तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है दर्शकों वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पर कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान फ़ोन पर किया जाएगा फ़ोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बेतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ना उम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को ज़रूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए विधि शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि आखिर आपको करना क्या है तो दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए बड़ी सरल सी सामग्री है उसमें आपको उस व्यक्ति की फोटो की आवश्यकता होगी जिसे आप वश में करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप उसकी फोटो लेंगे अपने पास इसकी फ़ोटो रखेंगे तो व्यक्ति किस तरह आपके वश में हो जाता है सिर्फ एक प्रचंड मंत्र के माध्यम से तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं लेकिन एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आसपास कोई ना हो कोई भी व्यक्ति आपको ये विधि करते वक्त ना देखें अन्यथा इसका असर जो है वो कम हो जाएगा तो आइए विधि शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति की एक फ़ोटो लेनी है जिसे आप हैं वश में करना चाहते हैं आप चाहते हैं जो व्यक्ति आपके पास आ जाए जिसके साथ आप कुछ समय बिताना चाहते हैं या सीधा सीधा कहूँ आपको तो जिसके साथ आप संभोग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको लेनी है आप महिला हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उस व्यक्ति की फोटो आपको लेकर इस तरह रखनी है और अपनी तर्जनी उंगली पर रखकर इस तरह उंगली को घुमाना है और इसी तरह करते हुए आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और 121 बार आपको मंत्र का जाप करना है तो आइए वो प्रचंड मंत्र क्या है मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम भगवती दाइनी देव मम वश्यम करु करु स्वाहा एक बार फिर मैं आपको मंत्र बताती हूँ मंत्र को नोट कर लीजिए ओम भगवती दायिनी देव मम वश्यम करू करु स्वाहा जी हाँ इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है और हाँ ध्यान रहे कि ये कार्य आपको लगातार तीन दिन करना होगा तीन दिन में सिर्फ सात बार ऐसा करना होगा 121 बार जैसे ही तीन दिन के अंदर पूरे होंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चलाएगा आपको उससे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे मिलने के लिए तड़पेगा चाहेगा कि बस आप उसके आसपास रहें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये विधि ये प्रचंड विधि को जरूर अपनाइए और किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं उसे अपना बनाइए और इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा और किसी गलत मंशा से इसका प्रयोग मत कीजिएगा तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नई प्रचंड वशीकरण विधि के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने अपनों को पास ला सकते हैं और अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप गुरु माता से संपर्क कर सकते हैं और अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं क्योंकि गुरु माता के पास आपकी हर समस्या का समाधान है नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारी कई माताएं बहनें हमसे कहती हैं कि हमें एक ऐसा वशीकरण बताओ जो हम घर बैठे आसानी से कर सकें लेकिन वशीकरण प्रचंड होना चाहिए क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते कोई सामग्री नहीं खरीद सकते लेकिन हमें आवश्यकता है प्रचंड वशीकरण की क्यों क्योंकि हमारा जो बेटा है वो हमसे रूट गया है या कई पत्नियां कहती हैं कि हमारा पति अब हमारा नहीं रहा या फिर किसी औरत और के चक्कर में पड़कर वो अपने घर बार को देखना भूल गए हैं अपने बच्चों पर अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते तो आज का वशीकरण ऐसे ही लोगों के लिए है तो अगर आप भी ये वशीकरण अपनाना चाहते हैं एक ऐसी लड़की हैं आप ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिला हैं जो कोई सामग्री एकत्र नहीं कर सकते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण सिर्फ आपके लिए है जी हाँ पर इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है बस थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है जी हाँ बस आपको थोड़ा सा समय लगाना है थोड़ा ध्यान लगाना है और 24 घंटे के अंदर व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बेटा है आपका पति है या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका 24 घंटे में वो आपके वश में हो जाएगा तो आइए बताते हैं एक ऐसी विधि जिसमें बिना सामग्री के वशीकरण होता है तो आइए शुरू करते हैं तो ये विधि है कि आपको दोपहर बारह बजे एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ आपको कोई देखे ना जी हाँ और ऐसी जगह पर बैठकर आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है और एक मंत्र का 21 बार जाप करना है उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसे वश में करना चाहते हैं आइए बताते हैं कि मंत्र क्या है और मंत्र है ओम नमो महाय विष्णु एम पति मम वश्यम करू करु स्वाहा पति की जगह आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ एक बार फिर मैं आपको मंत्र पूर्वक सुनिएगा ओम करू स्वाहा पति की जगह ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 बार और इसके मात्र 24 घंटे बाद वो व्यक्ति आपका हो जाएगा जी हाँ कुछ ऐसा ही होगा अगर इस मंत्र का सही पूर्वक उच्चारण किया जाएगा सही तरीके से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा और दर्श को कोई समस्या कोई परेशानी आपको है जिसका समाधान ढूंढकर आप थक गए हैं लेकिन फिर भी आप इस परेशानी से निजात नहीं पा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरु माता को कॉल करनी है और अपनी हर समस्या का समाधान लेना है क्योंकि गुरु माता के पास ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो इसके साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए वशीकरण वीडियो के साथ नमस्कार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक लॉन्ग से प्रचंड वशीकरण किया जाए जी हाँ सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं चाहिए सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतः अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करना क्या है हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें एक पूरा दिन अपने मुंह में दबा कर रखना है जी हाँ और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं जब ये लौंग आपने अपने मुंह में रख रखी हो तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है उसके बारे में सोचना है जी हाँ उस पूरा दिन आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जब, बार, जब आप ये लौंग अपने मुंह में रखेंगे और 24 घंटे के बाद जब आप ये लौंग अपने मुंह से निकालेंगे तो इसे सूखने के लिए रखते हैं जब ये लौंग सूख जाए तो इसका चूरण बनाइए और इस चूरन को उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे आप वश में करना चाहते हैं जैसे ही ये चूरन उस व्यक्ति के मुंह में जाएगा वो व्यक्ति आपकी बोली बोलने लगेगा जी हाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये जी हाँ ये शक्तिशाली वशीकरण है सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है ये तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वो आपके दूब जाने के नाम से ही काँप जाए वो डर जाए कि आप अगर उनसे दूर चले गए तो होगा क्या वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे जी हाँ इतना प्रचंड वशीकरण है ये। ये तो इसे करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं तभी इस विधि का प्रयोग कीजिएगा तभी इस वशीकरण को अपनाइएगा तो दोस्तों किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है ये बताया मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं लेकिन इन सब की भी एक शर्त होती है इस वशीकरण की भी एक शर्त है अगर इस शर्त को आप मानेंगे तभी यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा और वो शर्त ये है कि इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है पूरा दिन एक लौंग आपको मुंह में रखनी है लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपके मुंह में एक लौंग है क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को हो गई तो ये वशीकरण साब तक नहीं होगा मतलब ये वशीकरण काम ही नहीं करेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो क्योंकि अगर जानकारी हो गई तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा कि ये तरीका गलत है बल्कि ये तरीका सही है लेकिन आपका इसके बारे में चर्चा करना या किसी को जानकारी देना ये गलत है वशीकरण अपना असर तभी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए इसके बारे में किसी से कोई बात ना की जाए किसी को बताया ना जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद ये वशीकरण करते हैं तो ये वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे तो इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर ये विधि अपनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जिक्र नहीं करना है किसी से कोई बात नहीं करनी है बस अपने मन में ठान लीजिए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए और वशीकरण हो गया इतना सिंपल वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी अपना बना सकते हैं कोई और समस्या है कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया गया उस नंबर पे कॉल कीजिए बात कीजिए आपकी हर समस्या का समाधान होगा आपको हर जानकारी दी जाएगी किसी और वशीकरण के बारे में या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो रहा है तो उस आपकी समस्या का समाधान फोन पर किया जाएगा फोन कीजिए आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको एक खुशहाल जिंदगी मिलेगी जी हाँ तो फिलहाल दीजिए इजाजत फिर हाजिर होंगे एक और नए तरीके के साथ कि किस तरह आप खुद को खुश रख सकते हैं जय माता दी दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप अपने रूठों को मना सकते हैं किसी को अपना बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपसे रूट गए हैं वो आपके पास लौट आए या फिर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो है कि आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता या फिर किसी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं एक ऐसा शख्स जिससे आप बे अनतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करता तो ऐसे में आपको जरूरत है एक प्रचंड वशीकरण की जी हाँ और ये वशीकरण मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा एक ऐसा प्रचंड वशीकरण जिसको एक बार अगर आपने कर लिया तो आप इस वशीकरण को ताम्र भूल नहीं पाएंगे कि क्या वशीकरण इतना सच्चा इतना पक्का इतना प्रचंड भी हो सकता है जी हाँ आज ऐसे ही वशीकरण विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें एक आसान सी विधि और एक प्रचंड मंत्र किसी को भी आपके वश में कर सकता है किसी को भी आपके पास आने के लिए मजबूर कर सकता है और इस विधि के लिए आपको कुछ ज्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी सिर्फ चंद सामग्री और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा ताम्र के लिए सिर्फ आपका ही रहेगा अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना या किसी के साथ कुछ वक्त बिताना तो फिर इस विधि को जरूर आजमाइएगा क्योंकि एक ऐसी प्रचंड विधि है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं फिर चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो आपकी कोई भाभी हो या वो जिससे आप प्यार करते हैं तो आइए बिना समय बर्बाद